नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीएस सरकार ने कानून एक बना दिया है जिसमें छुट्टी, जी हाँ, वर्किंग टाइम और हॉलीडे टाइम में डिफरेंस कर दिया गया है। यानी 4.5 दिन, यानी 4 दिन ही आपको काम करना पड़ेगा, बस। हालांकि 7 दिन के समय में 4 दिन का काम और 3 दिन की छुट्टी। हालांकि इस न्यूज़ को आए 5-7 दिन हो चुके हैं, मैं अभी ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब ये छुट्टी देखिए, इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि ये शुरुआत कब से होगी, किन लोगों को इन छुट्टियों का फायदा मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, आगे आने वाले समय में सरकार और क्या इसमें घोषणा करने वाली है। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, सरकार ने एक अधिनियम पास कर दिया है, कानून भी बोल सकते हैं, जो बता दूं 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हो जाएगा, यानी अभी लेटेस्ट नेक्स्ट मंथ से। जी हाँ, उसमें जॉब का समय है, ड्यूटी टाइम, नौकरी का समय है, उसको घटा के कम कर दिया गया। अगर इसकी शुरुआत से बात करें तो भाई, जब से देखिए सिस्टम चला है, 7 दिन का टाइम होता था, संडे को छुट्टी होती थी, आप सबको पता है। सरकार का इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि कम टाइम इसलिए किया है कि जितना रिलैक्स मिलेगा अच्छा काम होगा, जीवन में थोड़ी सुधार होगा, उसमें लोगों को थोड़ा जीवन जीने का मौका मिलेगा। जो ऑफिशियल जॉब होते हैं उनमें लोग इतने ज़्यादा पजट हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा जीवन बेहतरीन के लिए बहुत सारी और भी उनकी सोच है कि भाई जितनी ज़्यादा गैप होगा, ज़्यादा छुट्टी होगी, तो लोग अच्छी तरीके से अपना जीवन भी जी पाएंगे और नौकरी भी कर पाएंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी पाएंगे। जी हाँ, यही उनका मकसद है। हालांकि बात करें 1971 से लेकर 1999 तक तो केवल एक फ्राइडे की छुट्टी होती थी गल्फ देशों में भी और यूएस की सरकार में भी। जी हाँ, लेकिन 1999 से लेकर 2006 तक की अगर बात करें तो 2 दिन का अवकाश कर दिया गया था, शुक्रवार और गुरुवार। जी हाँ, ये छुट्टियां थी, लेकिन इसको भी चेंज करके 2006 से लेकर 2011 तक, जी हाँ, इसको चेंज कर दिया, शुक्रवार से लेकर शनिवार, यानी 2 दिन की बीच में हॉलीडे कर दिया गया था। लेकिन भाई अभी 2022 में इसको और चेंज कर दिया गया है, और बता दूं फ्राइडे 4.5 घंटे काम करना, यानी 12 बजे तक। समझ गए बात को, फ्राइडे की भी आप छुट्टी मान सकते हैं, इतना कोई ज्यादा चक्कर नहीं रहेगा। ये लगभग छुट्टियां अच्छी हैं, 4-3.5 दिन की बीच में गैप दे दिया गया है, 4.5 दिन ही काम करना पड़ेगा। जी, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किन लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो इस पर अगर बात करें तो अभी ये केवल सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र, उन पर लागू होगा। जैसे स्कूल हो सकते हैं, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, या फिर कोई ऑफिशियल जॉब वगैरह, ऑफिशियल सिस्टम हो सकता है, बैंकिंग क्षेत्र भी इसमें आ सकता है। निजी क्षेत्र की अगर बात करें, अब बहुत सारे लोग तो निजी क्षेत्र में ही है भाई, 98% लोग निजी क्षेत्र में ही है, 2% लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे, अलग बात है। उनके लिए अभी ये ऐच्छिक कर दिया गया है, यानी उसकी मर्जी है, वो क्या चाहते हैं, इस छुट्टी में शामिल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, या फिर अपना टारगेट पूरा करके वो 3.5 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने सरकार ने बोला है। अभी वो ऐच्छिक छोड़ दिया, यानी वो कंपनियों पे डिपेंड कर दिया कि भाई आप अगर छुट्टी करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं होगी। यानी ये सरकारी जो सिस्टम है उसके ऊपर लागू होगा, प्राइवेट वालों पर लागू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। और वैसे भी भाई देखिए, आप जो लगभग 95% लोग जो चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो तो इन चीज़ों में है ही नहीं। ऑफिशियल जॉब में भी बहुत नए के बराबर लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो बिल्कुल 0 के बराबर हैं। बाकी लगभग आप लोग कंस्ट्रक्शन में ऑफिशियल या नॉर्मल तरीके की जॉब करते हैं, आपके लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी गवर्नमेंट के जॉब के लिए ये समय दिया गया है, अलग बहुत सारे देशों में पहले भी है, मोरक्को में, तुर्की में, मलेशिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे अरब देश हैं, कनाडा वगैरह, जिसमें 2 दिन की छुट्टी होती है। इंडिया में भी अभी ये चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि भाई केंद्र सरकार इसमें टाइमिंग में चेंज करने जा रही है कि 4 दिन ही हफ्ते में काम करना पड़ेगा, बाकी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। उसमें क्या कंडीशन लागू करती हैं, किस तरह से काम करवाएंगे या ड्यूटी टाइम उसमें बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वो तो हम अभी बता नहीं सकते। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।